ये वाला, ये जो मॉपिंग के लिए मैंने ये ना अभी कुछ दिन पहले ही मतलब इसे ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो मेड्स को घर में बुलाना सेफ़ नहीं है, तो मैंने भी इसी वजह से ही मेड को हटा दिया है। अभी तो मुझे ये मॉपिंग और फिर ग्रूमिंग ये सब सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। और ये सच पूछो बहुत ही ज़्यादा मतलब एफर्टलेसली मतलब आपको पोछे लगाने में ईजी हो जाता है आपके लिए बहुत। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। ये मतलब हाउसवाइफ जो होते हैं उनके काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देंगे। इस साइड में ये वाले साइड में आप आराम से पानी भर लेना, आपको जितना भी पानी का रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद आप इसे आराम से यहाँ पे ये देखो ये एक पैच ये बना हुआ है, ये देखो ये वाला एक बना हुआ है, बस इसी में आपको अपने मॉप की ये ऊपर वाला जो ये होता है ना इसको सेट करना है। ये वाला को इसमें जस्ट सेट कर देना है ऐसे रख कर, और इसे आपको खोल कर रखना है जिससे कि ये ईज़िली ऊपर नीचे, और ये इस तरीके से ऐसे ये होगा और ये अच्छे से पानी में वॉश हो जाएगा ऐसे। और आपके ये बगल में ये ड्रायर है, इसमें आप आराम से अपने मॉप को ड्राई कर सकते हो, जितना आपको गीला रखना है आप उतना गीला रख सकते हो। ये देखो ऐसे आप करके कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको जितना लंबा ये स्टिक चाहिए ये मॉप का, आप उतना लंबा आप उसे रख सकते हो। अगर आपको छोटे में चाहिए तो आप इसे छोटे में ही फिक्स कर दें यहाँ पर, और अगर आपको लंबा चाहिए इसका स्टिक तो आप इसे लंबा में रख कर इतना लंबा आराम से यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और इससे आप आराम से पोछा लगा सकते हैं। और ये देखिए ये भी मूवेबल है, ये वाला चीज़ यहाँ पे आराम से ये मूव हो जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से ऐसे ऐसे करके पोछा लगा सकते हैं। ये देखिए, और अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से सीधा भी रख सकते हैं, बट ये इस तरीके से करना ज़्यादा ईजी होता है, ऐसे बहुत अच्छे से पोछे लग जाते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड भी है घर पे, आज कल उनकी नाइट शिफ्ट थी तो आज मॉर्निंग में ही वो आए हैं, तो हम दोनों आज मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करके ना जल्दी सो गए थे। तो मुझे ना बहुत भूख लग गई, तो मैं सोची ना कि चलो उठ कर यही खा लेते हैं, मतलब मैं भी सो गई थी साथ में। फिर अभी उठी हूँ तो बहुत ज़ोर की भूख लगी, तो सोची ये भी खा लेती हूँ वाटरमेलन। यार कोरोना तो सच में जान लेकर रखा है, मतलब उसकी वजह से ना मुझे मेड भी हटानी पड़ी, तो अभी मेड भी नहीं आ रही है, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ा अकेले, तो बहुत थकावट हो जाती है यार, मतलब नहीं मन होता इतना अकेले सारा काम करने का। तो आज के दिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाइट ऑफ है, तो आज वो सारा दिन ही घर पे रहने वाले हैं। तो आज के दिन एक्चुअली होता है क्या ना हमारा कि मतलब हम लेट ही लंच करते हैं, लेट ही हो जाता है। तो अभी बज चुके हैं 2 और मैंने अभी तक लंच बनाया नहीं है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि क्या इंस्टेंटली बनाऊँ, तो सोच रही हूँ कि चलो कड़ी और राइस बनाया जाए। कड़ी चावल तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, मज़ा आ जाता है, मेरा तो वन ऑफ दी फेवरेट डिश में से है, तो जब आज बहुत मन हो रहा है खाने का। ये वाली वाटरमेलन जो है ना मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ना ये मतलब हल्की लाइट रेडिश कलर की है, मतलब जो डार्क रेड में होती है ना वो बहुत टेस्टी होता है, मतलब वो बाहर से वाटरमेलन पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा उतना अच्छा नहीं है। तो अब जो है सो ये है, अब तो मन भी नहीं होता ये उतना खाने का, मीठा नहीं है बिल्कुल भी यार। ऊपर से वाटरमेलन मतलब मेरा फेवरेट है, लेकिन इसमें इतने सारे बीज होते हैं ना, मतलब जब इंसान का एक्सीलरेशन बढ़ता है ना खाने का, तो अचानक से दांत में दब जाता है, कुछ होता है, समझ रहे हो? वो बहुत इरिटेटिंग है यार, इसकी वजह से आई थिंक कि बहुत सारे लोग को वाटरमेलन खाना पसंद नहीं होता होगा। देखो आज घर कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लोर एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है ना, मैंने साफ किया है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही साफ साफ लग रहा है ना। आज सुबह में ना मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धुलने थे, तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टोर हो गया था कपड़ा, तो आज सोची कि फाइनली आज लगा ही देती हूँ वॉशिंग मशीन। कपड़े सूख जाते हैं तो दे देते हैं आयरन करने को। आंटी यहाँ पे पास में ना ये बगल वाला ये घर है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला घर है ना, ये जस्ट बस ये पास वाला घर, ये वाला तो ये वाला घर ही है वो आंटी का, और वो बस प्रेस करके ना रात तक कपड़े दे भी देती हैं, तो बहुत अच्छा सही रहता है। घर पे उतना कौन कपड़ा प्रेस करेगा, तो इसलिए आज के दिन ही मतलब वॉशिंग मशीन को चलाना ही चलाना है। गई हूँ अपने किचन में, और पहले मैं थोड़ा सारे ये बर्तन जितने भी हैं वहाँ पे सूखे पड़े हुए सबको जगह पे अरेंज कर दूँगी। ये देखिए मैंने पकोड़े तलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको पता है मुझसे ना कभी भी ये पकोड़े जो होते हैं ना कभी भी बहुत अच्छे नहीं बनते। मैं हमेशा क्योंकि अच्छे से बना पाऊँ बट मुझसे आज तक कभी नहीं बन पाया है, बट मैं फिर भी कोशिश में लगी रहती हूँ कि आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो बन ही जाना है। और इसी रीज़न की वजह से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। तो ये देखिए बस मेरी कढ़ी अब बनने ही वाली है, बस अब कुछ लास्ट स्टेप्स ही बचे हैं और ये बस अब बनने ही वाली है, बस 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगी। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो अभी मैं मतलब हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं अब आई हूँ चाय बनाने के लिए, उनके लिए बनाना मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बनाना है अभी चाय, तो चलिए फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ। जब तक यहाँ पे चाय बनता रहेगा तब तक फिर मैं जितने भी कपड़े मैंने बाहर डाले थे सूखने के लिए वो सारा कुछ मैंने उठा लिया है, अब फटाफट से उसे फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। मतलब आज हम ना बहुत लेट में लंच किए ना, तो इसलिए शाम को कुछ वैसा खाने का। ये देखिए ये मैंने घर पे बनाया था, ये मिनी समोसे हैं, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, और ये कुछ नमक पारे मैंने बनाए थे। ये देखो कितना लेयर वाइज है, बहुत ही क्रंची होता है खाने में, और आप इसे ना मतलब लगभग 3 महीने तक भी आप अच्छे से एयर टाइट वाला जो बॉक्स आता है ना या डब्बा आता है ना उसमें आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, और ये आराम से आपका 3 महीना तक यूज़ आप कर सकते हो। और ये बिल्कुल एकदम कुरकुरी ही रहेगी, बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब ये तो ये समोसा था, ये मेरा फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है खाने में इसे, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही टैंगी है इसका टेस्ट, मज़ा आता है। तो अभी जब तक इधर चाय बन रहा है तब तक हम लोग चलते हैं, फटाफट से कपड़े सबको फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये रेडी है शाम की स्नैक्स। तो मैं जब ये नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, ये आप भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बनती है। चलिए अब चलते हैं, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी प्यारी सी है किटन, ये बिल्ली ना मेरे घर में 2-3 अपने बच्चे दे दी है। वो देखिए ये कैसे यहाँ पे हमारे घर के सामने में वो लॉन एरिया है ना, वहाँ पे देखिए किस तरीके से ये लोग मस्ती कर रही है आपस में। एक्चुअली हम शाम को ना वॉक कर रहे थे अपने लॉन एरिया में, तो ये अचानक से दिख गई इतनी प्यारी प्यारी, कितनी प्यारी प्यारी है यार। इन लोगों का आईज कितना शाइन कर रहा है, एकदम रेडियम की तरह। एक देखो ना अंदर जाकर घुस गई है उसको घर बना लिया है।